अपने चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के चुनावी सरगर्मियां बड़े शबाब पे हैं और सारे नेता अपने अपने इलाके में क्षेत्रों में जाकर के युद्ध स्तर पर प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल शिवसेना के दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे अपने पूरे काफिले के साथ मुमरा आए और उन्होंने बड़े पैमाने पे अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक हंगामी बैठक की और उस बैठक के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। शिवसेना ने मुमरा में करोड़ों का काम किया है, हॉस्पिटल का काम किया है, पानी लाने का काम किया है, रास्ते का काम किया है, बहुत से विकास किए हैं, लेकिन नाम दूसरी पार्टी लेके जाती है, लेकिन जो असलियत है वो छिपती नहीं है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुमरा का हम काया पलट देंगे, मुमरा को मैं एक अच्छी सिटी बनाने वाला हूँ, एक बेहतरीन शहर बनाने वाला हूँ। और इसी के मद्देनजर एकनाथ शिंदे ने कुछ बातें कही जो आपके सामने प्रस्तुत है। या मुमरा में कौसा में जो विकास के काम हो रहे हैं, पानी दिया है, लाइट दिया है, रोड बनाया है, कंक्रीट की रोड है, अस्पताल बनाया है, स्टेडियम बनाया है, कब्रिस्तान में लाइटें लगाई है, ये सब लगाया है, काम किया है, करोड़ों रुपए का काम किया है। तो अभी कैसे हम लोग और कितना दूर कितनी देर दूर रहेंगे? जी सर, जी सर। अभी हम लोग तो करते जा रहे हैं। जी सर, थाना में जो पैसे दे रहे हैं वो भी यहाँ दे रहे हैं हम लोग, वैसे ही हम लोग यहाँ कम करके वहाँ ज़्यादा नहीं दे रहे। तो हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते, हम लोग मुमरा कौसा का विकास चाहते हैं, मुमरा कौसा की डेवलपमेंट चाहते हैं। या पूरी तरह जैसे थाने शहर है वैसा यहाँ पर भी मुमरा कौसा शहर बनना चाहिए। अभी क्लस्टर का मुद्दा है, यहाँ के धोखादायक बिल्डिंग है, जो कमज़ोर बिल्डिंग है, उसका भी मुद्दा कौन सॉल्व किया है? स्टेट गवर्नमेंट से जब मैं पालक मंत्री बन गया, लड़ाई तो हम लोग पहले से कर रहे थे, लेकिन जब कुछ मुद्दे कुछ वहाँ खामियाँ थी वो दूर करने का काम मैंने किया है। अभी क्लस्टर डेवलपमेंट अगर हम लोग सक्सेस होगा तो लाखों लोगों को उसका फ़ायदा होगा। अभी वागले स्टेट में देखो, कब्रिस्तान का मुद्दा है, कौन किया वहाँ पूछो? उनका मदरसा जो बन रहा था, मस्जिद बन रही थी, उसको सहयोग कौन किया? अभी वो छोड़ो सब, जब भी हमारी शिवसेना की सरकार थी तभी कैबिनेट मंत्री कौन थे मालूम है आपको? साबिर शेख। यस सर, जी सर, यस। कैबिनेट मंत्री थे। हाँ। कौन से जात पात का धर्म का मुद्दा है वही? हमारे बड़े साहब ने, बाला साहब जी ने, जब भी सरकार थी तो लोग ऐसे रास्ते पे नमाज पढ़ते थे तो बोले क्यों भाई, ये मस्जिदों का एफएसआई बढ़ा दो। मस्जिदों का एफएसआई बढ़ाने का काम कौन किया? बिल्कुल बिल्कुल। इतनी बड़ी चौपाटी बनाई, इंटरनेशनल लेवल की चौपाटी, कौन आएगा? हम लोग आने वाले उधर, आप ही लोग उसका आनंद लुटाओगे ना। आपके बच्चे हैं, सभी है, जवान है, सब सीनियर सिटीजन है, सब उसका आनंद लेंगे। तो हम लोग करते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग आप लोग भी आगे आना चाहिए। बाकी रही बात, मैं पालक मंत्री हूँ, जो भी कुछ मुझसे बनेगा, मेरे पास जो अधिकार है वो मैं इस्तेमाल करूँगा, बरोबर ना? हुई सर। तो एक ही बात है, यहाँ हम लोग मुमरा कौसा का विकास करना चाहते हैं और करना चाहते बोले कर रहे हैं हम लोग, और करने का है, आप लोग आगे आइए और साथ दीजिए। ओके। पालक मंत्री एकनाथ शिंदे और खासदार श्रीकांत शिंदे ने मुमरा में शिया जमात के कब्रिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है, जिससे शिया समाज के लोग इन दोनों पे फिदा हो गए हैं और वो अपना वोट कहीं ना दे करके और शायद इनको ही अपना मत देंगे। सुन्नी जमात के भी लोग और दूसरे लोग भी इनसे खुश हैं कि इसके अलावा भी दूसरे भी कब्रिस्तानों के लिए जो है बाकायदा इन्होंने करोड़ों रुपए का बजट पास कराया है, वो कौसा में पास कराया है, रोड का काम किया है इस सबसे, और शिया जमात के अलावा सुन्नी हजरात भी काफी खुश हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि इस बार मुमरा में शिवसेना का वोट काफी बढ़ेगा, क्योंकि इन दोनों ने बाप बेटो ने काफी काम किया है। अच्छी बुरी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक चैनल सुल्तान रिज़्वी।